हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार बेल्टॉन की तरफ से डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ सीबीटी का, फिर टाइपिंग का, और आखिरकार जो है फाइनल रिजल्ट भी आज का आ चुका है। और उसके बाद से सभी लोग परेशान हैं कि सर ज्वाइनिंग कब तक होगा, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इसी सब का जवाब मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में, और लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। तो इस वीडियो को देखिए लास्ट तक ताकि आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या हम करेंगे कवर इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी का शुरू करते हैं। और आपको बता दूं कि जो अभी रिजल्ट आया है, ठीक है, तो उसमें जो है सभी लोग परेशान हैं कि ज्वाइनिंग कब तक होगा। तो उसका जो है कल मैंने एक वीडियो अपडेट किया था दोपहर में, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, ये वाला वीडियो जो आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, ये थंबनेल था, ठीक है। तो इस पर जो है मैंने एक दिखाया था नोटिफिकेशन। चलिए हम चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो नोटिफिकेशन जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाया था। तो इसके बाद से मुझे इस वीडियो में इतने सारे कमेंट आए कि मुझे ये आज का वीडियो बनाना पड़ रहा है जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जो मैंने ये वीडियो अपलोड किया कि 537 डेटा एंट्री ऑपरेटर होंगे थानों में नियोजित, यानी अभी जो रिजल्ट आया है फाइनल टाइपिंग के बाद 7311 लगभग अभ्यर्थियों का, ठीक है। तो इसमें जो कमेंट आ रहा है कि क्या जो मात्र 537 अभ्यर्थी हैं उनका होगा ज्वाइनिंग, जितने भी थाने हैं बिहार में लगभग वहाँ पर, तो और अभ्यर्थियों का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि बेल्ट्रॉन जो है ये एक आउटसोर्सिंग कंपनी है, जो है अभ्यर्थियों को ये आउटसोर्स करके रखती है। और जब कोई विभाग अधियाचना भेजता है कि मुझे इतने लड़के चाहिए, तभी जो है वो उसको अवेलेबल करवाती है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसमें अपडेट दिया था कि देखिए, यहाँ पर पुलिस मुख्यालय के अनुरोध पर बेल्ट्रॉन का फैसला, यानी जो पुलिस मुख्यालय है उसने अनुरोध किया कि मुझे जो है थानों में और अपने मुख्यालयों में चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो है बेल्ट्रॉन जो है यहाँ पर 537 अभ्यर्थियों को लिस्ट बनाकर देगा पुलिस मुख्यालय में और उनको वहाँ पर ज्वाइनिंग करवाएगा। तो यहाँ पर जो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर इसका जो है और लड़कों का क्या होगा, तो आप लोग भी बिल्कुल खुश हो जाइए क्योंकि आप लोग का भी बन रहा है पैनल, और अलग अलग विभाग से भी आया हुआ है अधियाचना बेल्ट्रॉन में, और आप लोग का भी जल्द ज्वाइनिंग होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये उसका दूसरा पार्ट है, ये देखिए। अधिकारियों के अनुसार सूचीबद्ध पैनल से मांग के अनुरूप डेटा एंट्री ऑपरेटर व प्रोग्रामरों को जिला पुलिस मुख्यालय एवं थानों में जल्द प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो बातों की थाना की, लेकिन देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग नहीं पढ़े होंगे कि सूत्र बताते हैं कि कई और विभागों से, यानी थाना के अलावा जो और कई विभाग हैं उनसे भी जो है इनकी सेवा उपलब्ध कराने को लेकर अधियाचना प्राप्त हुई है, यानी बेल्ट्रॉन को अधियाचना मिल चुकी है। आप लोग बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, आप लोग का जो है जल्द ज्वाइनिंग का प्रोसेस चालू हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, आपको तो पता ही है कि लिखित और टाइपिंग टेस्ट का जो है परीक्षा परिणाम जारी हुआ है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कल जो है मैंने जो वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मैंने गलती से बोल दिया था, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है 100, मैंने इसको 900 पढ़ दिया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। यहाँ पर जो है अभी लगभग जो है 100 अभ्यर्थियों का पैनल को बेल्ट्रॉन जो है अंतिम रूप दे रहा है। अभी जो है फिलहाल 100 अभ्यर्थियों का ही पैनल बनाया जा रहा है, ठीक है, और बाद में जो है धीरे धीरे और भी अभ्यर्थियों का बनेगा। और यहाँ देखिए क्या लिखा रहा है कि पैनल जो है अंतिम रूप से बनते ही विभागों व सरकारी कार्यालयों से प्राप्त अधियाचना के अनुरूप जो है सभी को जो है सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी अभी फिलहाल जो है तत्काल सिर्फ 100 अभ्यर्थियों का पैनल फटाफट वो तैयार कर रहा है क्योंकि उसको देना है, लेकिन सभी का धीरे धीरे अंदर अंदर तैयार हो रहा है। आप लोग बिल्कुल भी पेशेंस नहीं खोना है, धैर्य रखना है, क्योंकि जब इतना बड़ा आप लोग पार कर दिए एग्ज़ाम और टाइपिंग सब पास हो गए तो फिर आपको तो अब ज्वाइनिंग करना है। इसलिए आप लोग को एकदम पेशेंस बना कर रखना है, आप लोग को जो है जल्द ज्वाइनिंग होने वाला है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और अब बात करते हैं कि इसमें जो कमेंट आ रहा था कि सर इसका पैनल कैसे बनेगा, ज्वाइनिंग किस तरह से होगा, ठीक है। तो चलिए अब दिखाते हैं उसका हम अपडेट। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और मैंने इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो भी बनाया था, उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए,
8/11/19 का ये अपडेट है, इसके पत्रांक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है अपडेट, कि यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है पॉइंट नंबर 4 में कि इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को, यानी जो परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएंगे करेंगे जैसे कि हो चुका है, तो संविदा के आधार पर डिप्लोमेंट के लिए सूचीबद्ध कर एक पूल का निर्माण किया जाएगा, यानी एक पैनल बनेगा जो कि बनना चालू हो चुका है, और पूल में जो है जितने भी आरक्षण कोटी है उसमें सभी अभ्यर्थियों को रखा जाएगा और 10% और 15% का जो है अधिमानता दी जाएगी, जैसा कि आप लोग को रिजल्ट में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए विभागों तथा अधियाची कार्यालयों से, यानी जिस विभाग को जरूरत पड़ेगी आपकी डिटेंट्री ऑपरेटर की, तो वो जो है बेल्ट्रॉन को लिखेगा और अधियाचना करेगा। यहाँ देखिए प्राप्त अधियाचनाओं के विरुद्ध, यानी जब उसको मिलेगा कि मुझे इतना लड़के चाहिए, उसके बाद जो है देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुक्रम में अभ्यर्थियों का नाम प्रेषण बेल्ट्रॉन द्वारा सुनिश्चित कराएंगे। साफ साफ लिख दिया गया कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पैनल तैयार करके आप लोग को एक पैनल बनाया जाएगा, और जो है यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि अधियाचना विरुद्ध प्रेषण में राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पूर्णतः पालन किया जाएगा, यानी इसमें जो है जितने भी कैटेगरी हैं जनरल SC ST OBC BC1 BC2 सबका जो है ख्याल रखा जाएगा, सबको जो यहाँ पर एक अधिमानता दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, यहाँ पर जो आप लोग का क्वेश्चन था कि पैनल कैसे बनेगा, तो आप लोग का पैनल है आप लोग को बिल्कुल रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुक्रम यानी सीरियल नंबर बने 1 2 3 4, ठीक है। जो मार्क्स आया है वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है आप लोग को, यह देखिए नोटिफिकेशन है कि आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुक्रम के आधार पर ही आप लोग का बनेगा पैनल, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग का जो क्वेश्चन था, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को शॉर्ट आउट हो चुका होगा, और यहाँ जो क्वेश्चन था कि और लोगों का ज्वाइनिंग कब तक होगा, यहाँ जो है मात्र थानों में हो रही है, तो अभी जो है थाना से अभी अधियाचना मिली है इसलिए थानों में हो रही है, बाकी और भी आप लोग का पैनल बन रहा है, और उम्मीद है कि जल्द ही, ठीक है, यानी अप्रैल तक आप लोग को ज्वाइनिंग जल्द होने वाला है, और जितने भी लोगों का चयन हुआ है टाइपिंग में 7311, तो आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप लोग का सभी का ज्वाइनिंग जल्द होने वाला है 1 से 2 महीने के अंदर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था बड़ा अपडेट जो कि आप लोग को देना था मुझे इस वीडियो में, क्योंकि कल के बाद से मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, और जो लोग वेट कर रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट कब तक आएगा, तो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि अभी उम्मीद कम है सेकेंड लिस्ट आने का, लगभग 95% की आप लोग को नहीं आने का उम्मीद है, बाकी जो लोग फेल किए हैं टाइपिंग में उनका जो है सेकेंड टाइपिंग बिल्कुल होगा, आप लोग तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। आप लोग बार बार एक ही चीज़ को कमेंट करते हैं, तो एक ही चीज़ को कमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप लोग को मैं सब कुछ वीडियो में बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे जैसे ही आता है और भी कोई अपडेट आपके लिए हम लेके आएंगे, या आपके माइंड में कोई भी सवाल हो तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वैसा सवाल जिसको कि मैंने नहीं बताया है, जिसको बता दिया है प्लीज़ वैसा सवाल मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।